एग्जांपल को उसको कहते हैं कि तुम हीरोइन हो कोई नखरे दिखाओ लीड करते थे या हीरो आते थे अब वो आपा कहते हैं बोला नहीं आपने नहीं कहती चलो इनका दिल खुश होता है Hey guys, assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine. आज जो मेरी मेहमान है बड़े अरसे से मेरी उनसे बातचीत हो रही है लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि हम वो आ नहीं पाई थी तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि हमारे साथ स्टूडियो में हैं 1986 में उन्होंने पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था उनकी अम्मी बहुत मशहूर अदाकारा हैं अदाकारा थीं सलमा मुमताज़ और बीच में इन्होंने 16 साल का गैप लिया और उसके बाद ज्वाइन किया ड्रामा इंडस्ट्री को और अब आजकल हम उनको माशाल्लाह से बहुत स्क्रीन पे देखते हैं और बड़े अच्छे और मज़े के ड्रामों में देखते हैं अगर मैं आपको याद कराना चाहूँ तो थोड़ा सा हक कहीं दीप जले दुल्हन रक्से बिस्मिल और शहनाई रीसेंट कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम मैंने ले लिए वैसे तो बहुत लंबी लाइन है प्रोजेक्ट्स की तो आज मेरे साथ हैं निदा मुमताज़ अस्सलाम वालेकुम निदा कैसी हैं आप मैं बिल्कुल ठीक ठाक वालेकुम सलाम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आप आई हुई हैं स्टूडियो बिकॉज मैं बड़े दिन से बड़े दिल से मैं चाहती थी कि आपके हाँ। साथ बैठूं हाँ। और हम लोग कुछ गपशप करें लेकिन आप इतनी बिजी थीं फिर थोड़ा आपकी फैमिली में एक ट्रेजेडी हो गई तो वो नहीं हम कर सके यस आपकी मदर इन लॉ की डेथ हो गई थी सो अल्लाह उनको जन्नत में जगा दे तो उस वजह से फिर हमने कहा और फिर अच्छा पता है समझ भी नहीं आती ना कि मैं किस वक्त आपसे बात करूं आपको हाँ। स्पेस भी देनी है फिर आप लोगों का काम ऐसा होता है कि पता चला यू नो बट अल्लाह का शुक्र है कि हो गया खुद ही से हुआ कुछ और आज निदा यहाँ पे हाँ मैंने कहा नहीं अब कर लेते हैं बस, कर लेते बहुत हैं बट बताएं क्या हाल चाल है कैसा क्या आजकल काम हो रहा है या कुछ थोड़ी देर के लिए ब्रेक ली हुई आपने ठीक ठाक अभी ये 2 महीने की ब्रेक ली हुई थी ड्यू टू मदर इन लॉ जी और उसके बाद बस अब काम स्टार्ट है लोग समझेंगे पता नहीं क्या बात कर रहे मेरा छोटा सा पप्पी है हाँ, तो शुरू से शौक था या अभी नहीं एक्चुअली वो मेरा बड़ा वाला बेटा है उसको शौक था सारे को तो अमेरिका जाने से पहले अच्छा इमिग्रेशन एकदम से हो गया हमें भी नहीं अंदाज़ा था कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा वरना शायद हम उसको नहीं पालते तो 10 डेज का था जब हमने उसको लिया ना बहुत छोटा सा था उसने सारे ने उसको इतना यूज़ टू किया था अपने साथ सुलाना उसको सिर लैग खिलाना सब कुछ वो बेचारा फिर इमिजिएटली उसको जाना पड़ गया तो बस फिर वो मेरे उसमें आ गया कस्टडी यही होता है यही होता है वो इवेंचुअली अम्माओं के हिस्से में आ जाता है ये और फिर आप अटैच हो जाते हैं बिल्कुल फिर अब बहुत तो पूरा हाँ, घर हमारा बहुत अटैच है बहुत जैसे अभी बताई थी आपको फिक्र थी कि मैं शेरू को कहाँ छोड़ के आऊँ क्या करूँ मैं शूट पे जाती हूँ ना सचमुच अभी मैं इस्लामाबाद गई हुई थी शूट के लिए तो मैं तो उदास हो जाती हूँ उसके बगैर वो भी आता है जब आप आती होंगी तो बड़े गर्मजोशी से मिलता हूँ ऐसे वैसे डोर पे बैठा हुआ होता है उसको टाइमिंग पता है कि मैंने इस टाइम आना है तो वो इंतजार कर रहा होता है और आपको पता है एक और बात वो खाना नहीं खाता है जब तक आप वापस मैं जब तक आऊंगी नहीं वो खाना उसका रखा हुआ होगा जैसे मैं अंदर एंटर होंगी वो मुझे आएगा हक करेगा उसके बाद वो अपना खाना शुरू करेगा दैट्स सो क्यूट और कितना आपको दिल को होता है ना कि कोई इंतजार कर रहा है छोटी सी जान एक और आप उसका वेट करें जब मैं अमेरिका वगैरह या आउट स्टेशन जाती हूँ ना तब मुझे बड़ा मस्त फिर क्या करती हैं आप बाकी तो बड़ा इशू फिर कोई ना कोई घर का कोई एक आधा मेंबर घर पे होता है वरना उसका बहुत इशू है और अच्छा वो बात कुछ लोग अपने पेट से बिल्कुल ऐसे बातें करते हैं ना जैसे इंसान हो आप भी वैसे ही करती हैं कहानी सुनाती हैं आके सारी पूरी दिन की क्या हुआ बिल्कुल और वो सब समझता है आपको पता है वो सब समझता है इवन वो महसूस कर लेता है कि आप इस वक्त क्या बोलने वाले हैं क्या नहीं इवन मैं वॉशरूम जाती हूँ थोड़ी सी देर हो जाती तो है तो दरवाजा पिटना शुरू कि सब खैरियत है या नहीं बाहर निकलो भाई बाहर निकलो मैं बैठा हूँ मेरा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ इवन अगर हम अपने कमरे का डोर एसी वाला समझ के भी एसी चल रहा है तो डोर वगैरह बाहर होता है तो फौरन आके टिप टिप के खोलो भाई मुझे भी अंदर आना है अच्छा ये बताएं आपकी तो अपनी अम्मी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी आपने तो जब आप ग्रो कर रही होंगी तो मतलब ये तो घर की बात हुई हो ना लोगों का आना जाना आप लोगों का सेट पे जाना क्या क्या माहौल होता था क्या होता था यार हमारे घर में मसला ये था कि हम एक तो हमारी जॉइंट फैमिली थी अम्मा के साथ अम्मा की नंदे वंदे सब लोग रहते थे जब हम लोग गुलबर्ग में रहते थे तो
सबका, क्योंकि गुलबर्ग एक हमारा एक ऐसा ब्लॉक था जहाँ पर नदीम अंकल रहते थे, दीवा आंटी थी और जरका आंटी, आगे अब चले जाएं तो वही नुरा मतलब सब वो स्क्रिप्ट सब उस पूरी गुलबर्ग इतना मजा, हम लोग तो बचपन में कहती हूँ हम लोग तो लकी हैं कि हमने इतने बड़े स्टार्स को देखा बिल्कुल और उनसे मिले सामने भी सामने और इतने प्यारे लोग थे वो, सचमुच बहुत प्यारे लोग थे। अब मेरा नहीं ख्याल है कि अब हम लोगों को वैसे लोग कभी जिंदगी में मिलेंगे। जिंदगी बहुत बिजी भी और कमर्शियल भी होगी, कमर्शियल भी होगी, तब ये सब चीजें नहीं थी। लेकिन मेरा ख्याल में उस वक्त भी हम सब बिजी थे, बिजी तो थे, सब बिजी थे, ऐसी बात नहीं कि कोई बिजी नहीं था, लेकिन उस वक्त ये था कि सब आपस में सबका मिलना बहुत ज्यादा था। कोई एक वीकेंड रख लिया, आ गए, कभी किसी के घर चले गए, सब आपस में मिल लेते थे। अब मेरे ख्याल में कोई आपस में बहुत कम है, बहुत इवन मैं बेचारी को मुझे सबा बुलाती रहती है कि तुम अच्छी सहेली बनी हो, कभी मेरे घर नहीं आई हो, वैसे मैं टाइम नहीं निकाल सकती हूँ, तो हम भी किसी और को गिला क्या करें, क्या करें, वो ये जिंदगी बहुत ही बिजी हो गई है। लेकिन बड़े प्यारे लोग, तो आप सेट्स पे जाती थी अम्मी के साथ? मैं या आप लोग अम्मा इतना नहीं लेके जाती थी, कम लेके हम लोगों को जाती थी, लेकिन मुझे अभी तक याद है मोहम्मद अली अंकल याद है कि मैं अम्मा की शूट चल रही थी उनके साथ, तो मैं अम्मा के साथ गई उनके सेट पर और उन्होंने अपनी पॉकेट ऐसे हाथ डाला और उसमें से नट्स निकाल के ये दिए खाओ। बड़ा उनका केयर करने का ना वो एक जादू सा वो लगता होगा, जब उनकी तो आवाज उनका वो सब कितना मशहूर था। और मैं कहती हूँ हम लोग तो बहुत लकी है। आपके फेवरेट कौन थे उस वक्त, या किन को होता था कि इनसे मिलना है मुझे? और यार सारे फेवरेट थे, सब के सब, सब इतने प्यारे लोग थे ना, वैसे इवन नदीम साहब देख लें आप कितने खूबसूरत थे। आप वही मुराद से भी मिली? मिली हूँ। ओह गॉड, यू सो लकी, है ना, बड़े प्यारे थे। मुझे बस एक्चुअली मिलना ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा क्लोज से मिली हूँ, बस ऐसे मिली हूँ जैसे हम लोग जा रहे हैं स्कूल जा रहे हैं, तो वो अपनी बेटी को खुद बस में बिठाते थे बैग लेके, तो हम उनको अक्सर देखते थे, वो अपनी बेटी से इतना प्यार करते थे सच, बहुत ज्यादा करते थे। हम लोग उनको देखते थे, बड़ा खूबसूरत बंदा था। मैं यही पूछने वाली थी वो एक्चुअली में कितने गुड लुकिंग थे। सचमुच में गुड लुकिंग थे, उनका एक वाइट पजामा, वाइट कुर्ता, मुझे वो तो आपने बिल्कुल ही गजब ढा दिया है मेरी इमेजिनेशन उस पे, क्योंकि वो कभी कंपेयर करो तो ये कहते हैं ना वहीद मुराद की तरह लग रहे हैं और सब, वो वाकई हीरो थे, हीरो थे ना, हीरो वाले की तो उठान भी, क्या बात है। तो आपको शुरू से था कि मैं भी एक्टिंग की फील्ड में जाऊंगी? नहीं, जैसे आपकी बेटी तो नहीं गई, या फिर वो एकदम से कोई अपॉर्चुनिटी आई और आपने एक्सप्लोर की? बिल्कुल भी मेरा वो नहीं था कि जो मुझे एक्टिंग करनी है। अम्मी अम्मा उसमें पीटीवी पे कोई सीरियल कर रही थी इनका, निसार साहब का, अच्छा, मोहम्मद निसार हुसैन साहब का, तो मैं उनके साथ पैसे गई हूँ, मैंने कहा चले मैं भी आपके साथ चलती हूँ, हम भी पीटीवी देख लेंगे, कि पीटीवी का भी एक अपना था कि भी क्या है क्या नहीं। हम लोग जब, तो मैं ऐसे गई हूँ तो ऐसे सामने निसार साहब बैठे हुए थे, तो अम्मा ने तुम कहते एक ही कर रही है, अम्मा ने कहा नहीं ये तो अभी पढ़ रही है, अभी तो नहीं, एक ही गल हुई, चलो भाई बुलाया सबको, इनको भी ड्रामे में लेके। अच्छा, मैंने कहा भाई मुझे कुछ नहीं आता, मैं नहीं कर सकती, उस वक्त हम लोग स्कूल में थे। अच्छा, तो उन्होंने कहा नहीं करना है, करना है क्यों नहीं करना है, और आप यकीन करोगे मतलब उस वक्त मैं कहा ये 87 की बात है, ये फिरदौस जमाल उसमें हीरो थे, सरबत अतीक आंटी उसमें थी, और सिकंदर शाहीन, औरंगजेब लगारी, ओह माय गॉड, ये लोग सब उसी में, आसिफ सहमाब उसमें मेरा हीरो बना था, सोचिए आप। और मुझे कुछ पता नहीं था, बस मैं चली गई हूँ, और उस वक्त एक मतलब शोर मच गया था कि एक बंदी लीड पे आ रही है। ओके, सो पहला ही आपको निसार साहब ने लीड पे आपको रखवाया, और आसिफ हम लोगों ने कोई उन दिनों में ये टेलीफिल्म्स बनती थी, तो हम लोगों ने वो, अच्छा, तो टेलीफिल्म थी पहली, ओके, तो कैसा एक्सपीरियंस था, मतलब डर लग रहा था, अम्मा से पहले कोई टिप्स विप्स लिए या क्या? नहीं, नहीं, अम्मा से कभी जिंदगी में कुछ नहीं लिया था, क्योंकि अम्मा से जान बहुत निकलती थी, वो इतनी खौफनाक एक औरत थी, जैसे अब मैं अपने बच्चों के लिए खौफनाक औरत हूँ, तो अम्मा से तो बहुत जान जाती थी, बहुत डर लगता था उनसे, कभी नहीं, हिम्मत ही नहीं हुई कभी पूछने की भी, इवन कभी एक
शुरू शुरू में होता है कि मैं अकेली नहीं जाती थी शूट पर, तो अम्मा कभी चली गई तो उनके सामने तो मैं डायलॉग ही नहीं बोलती, परफॉर्मेंस नहीं होती होगी वाकई, बिल्कुल इतना कॉन्शियस ना, इतना कि अब ये कुछ सही करूँ नहीं करूँ, उन्होंने बोल दिया ये क्या करियो मेरी इज्जत खराब, ऐसी बोलती थी, ऐसी बोलती थी। मैं उनसे कहती थी ना कि अच्छा मैंने कहा ये प्ले चल रहा है आप देखा आपने कैसा लगा आपको, कहती ये क्या किया है, मैंने कहा कुछ नहीं किया। तो ऐसे जाहिर है उन लोगों ने जो उनका एक्सपीरियंस सब, फिर उन्होंने रेडियो किया हुआ है, स्टेज किया हुआ है, हम लोग तो डायरेक्ट चले गए ना, हम लोगों ने तो कोई एकेडमी नहीं कुछ नहीं, और मुझे ऐसे कोई शौक भी नहीं था। फिर क्या कैसे डिसाइड किया कि हाँ मुझे यही करना है? मैंने ऐसे ही ऑन एंड ऑफ किया, ऑन एंड ऑफ करती रही, मैंने कभी इतने खास उससे नहीं किया कि जी मुझे बस करना है और मैं हाँ अब मैं बिल्कुल शौक से, तो वही मैं जानना चाह रही हूँ कि तब इतना नहीं था, फिर आपने छोड़ भी दिया? छोड़ दिया, अच्छा तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, जब मेरी आयशा हुई तो मैंने सोचा, मैंने कहा ठीक है अब बेटी हो गई है अभी नहीं, अभी इसको टाइम देना चाहिए, फिर दोनों बेटे हो गए, तो जब आयशा आई थिंक ए लेवल में गई है तब मैंने फिर आयशा से पूछा, मैंने कहा मैं एक्टिंग कर लूँ दोबारा से स्टार्ट कर लूँ, तो उसने कहा हाँ आप कर ले, मैंने कब मना किया आपको, एग्जैक्टली उसने देखा होगा, मैंने कहा चलो फिर मुझे लगता है कि मैंने अब सीरियस होके काम स्टार्ट किया है, टाइम भी आपके टाइम भी है ना, अब तो कोई ऐसे चीज ही नहीं है, लेकिन अब क्या चीज एक्टिंग में आपको मतलब आपको अच्छी लगती है कि आप ये करना चाह रही हैं इतने जोश से इतने जज्बे से, और उस वक्त वो चीज़ नहीं आपको अट्रैक्ट की? उस वक्त हम लोग लीड कर रहे थे ना, ओके ठीक है, अब मैंने भी जब दोबारा स्टार्ट किया ना तो मेरे ही प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा कि मैंने जब उसको कॉल की मास्टरमाइंड में हसन ज़िया, मैंने कहा हसन मुझे ना एक्टिंग करनी है दोबारा से, तो कहता जब मैं तुम्हें कहता था कि कर लो तुमने कहा कि नहीं करनी, मैंने कहा नहीं सब बच्चे छोटे थे, तो कहने लगा कि देखो मैं तुम्हें साफ बात बताऊँ, मैंने कहा हाँ, कहता अब तुम ना लीड नहीं कर सकती ना, मैंने कहा ऑब्वियसली मुझे पता है मैं लीड नहीं करूँगी, मेरे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो कैरेक्टर रोल कर लोगी, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे बिजी रहना है, पता है मुझे वैसे बाज लोगों की समझ नहीं आती है कि लोग मुझसे ये क्यों सोचते हैं कि जी अब अगर आपने 20 साल या 10 साल पहले आपने लीड किया तो आप समझते हो कि आप 15 साल के बाद आके भी आप वही करोगे, कैसे पॉसिबल है? सही बात है, अनलेस कि हम लोग हॉलीवुड में काम कर रहे हो तो चलो समझ में भी आता है, तो कहानियां ऐसी बनती हैं कि लीड होती है, हमारे यहाँ तो जो हीरोइन है उसकी एज ही नहीं है इतनी ज्यादा इस इंडस्ट्री में, बहुत शॉर्ट है उसकी एज, तो हम लोग कैसे सोच सकते हैं अपने माइंड में कैसे ये चीज बिठा सकते हैं कि जी हमने अब लीड ही करना है, नहीं नहीं कभी नहीं। बट निदा मुझे एक बात बताएं, जब आप पहले आई थी तब सबको पता था कि आप किसकी बेटी हैं, अब आप जब वापस आई तो गैप इतना ज्यादा था, मुझे अपने आप को मनवाना पड़ा, वो भी नहीं, तो वो क्या क्या फील तब की और अब की, क्या तब क्या प्रेशर था और अब क्या, मैं आपको बताऊं, एक साथ भेज दिए मैंने, हाँ मैं आपको बताऊं, जब मैंने कम बैक किया ना तो हसन मुझे जानता था, वो मेरा दोस्त था, मतलब ऐसे दोस्त जैसे ग्रुप में होते हैं हम लोग सब थे, क्योंकि हसन जब मैंने काम छोड़ा था तो हसन ज़िया का उस वक्त स्ट्रगलिंग पीरियड था, ओके तो मैं उस वक्त अपने सुकून से बैठी हुई थी घर में, तो आप सोचो जब मैंने कम बैक किया तो मैंने मुझे सब ने कहा कि जी आप ऐसा करें फ्लां प्रोडक्शन हाउस है उसमें आप अपना बता दें अपना उनसे मिलने जाके, तो मुझे बड़ी शर्म आती थी ना, क्योंकि पर्सनली मैं तो कभी जिंदगी में किसी से जाके नहीं मिली, एज पे भी ना आप एक पोजीशन पे पहुंच गए हैं, वो फैमिली है रखा और फिर आप जाके बोले, तो मुझे बहुत शर्म आती थी कि यार ये तो बड़ा बैड सीन है कि मैं खुद जाके उनसे बात करूंगी कि मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि आपने इतना गैप दे दिया है आप तो लोगों को भूल गई हैं, अच्छा फिर मुझे एहसास भी हुआ क्योंकि मैंने जब मैंने घर से जब मैंने फ़ोन किया तो मैंने अपनी पिक्चर्स भेजी, उन्होंने कहा जी अब वाली पिक्चर भेजें आप तो हम देखते हैं, मैंने भेजी तो उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया, हालांकि बहुत बड़े बड़े सब प्रोडक्शन सब जानने वाले ही थे हम लोग, तो कोई रिस्पांस नहीं, मैंने हसन से कहा, मैंने कहा हसन मुझे तो कोई रिस्पांस ही नहीं मिल रहा है, कहता नहीं फिक्र नहीं करो ऐसा नहीं ऐसा ही होगा, तुम देखना अभी जब तुम्हारे पास तुम इतनी बिजी हो जाओगी कि तुम ना डायरी तुम्हारी फुल हो जाएगी, मैंने कहा अच्छा चलो, फिर मैंने एक जगह फ़ोन किया उनको कहा, तो उन्होंने कहा कि जी आए आप मीटिंग कर लेते हैं, मैंने कहा अच्छा ठीक है, खैर अब मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, बैक टू बैक काम कर रही हूँ,
बस जिंदगी ऐसी है और टाइम वक्त वक्त की बात है. तो मैं गई हूँ और उन्होंने मुझे कहा कि आप कौन निदा मुमताज हैं. ओह गॉड, ओके. मैंने कहा अच्छा. और मैं बैठी हुई आप जो एक तो शर्म वैसे बंदे को आती है कि यार कोई आपको जानता ही नहीं है. मैंने कहा आप थोड़ा सा गूगल कर लें प्लीज़, मेरा सारा बायोडेटा आपको गूगल में मिल जाएगा. मुझे बताते हुए बड़ी शर्म आ रही है. तो कहने लगे अच्छा ठीक है. फिर खैर उन्होंने किया अच्छा तो आप वो पीटीवी के दौर की हैं. जो लोग उस टाइम पे काम कर रहे थे. तो खैर फिर वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया आहिस्ता आहिस्ता. मैंने सुना हसन साहब के साथ आपने पहला ड्रामा किया कमबैक के बाद. हसन के साथ उन्होंने लिया आपको वो. लेकिन उसके बाद भी थोड़ा स्ट्रगल पीरियड रहा था, एकदम से नई चीजें चेंज हुई थी. नहीं, मेरा तो अभी तक स्ट्रगल पीरियड ही चल रहा है. अच्छा. हाँ, मैं तो अभी तक समझती हूँ. देखिए स्ट्रगल पीरियड क्यों कहेंगे, अब तो माशाल्लाह से हम आपको इतना देखते हैं. नहीं, मैं कर रही हूँ, लेकिन अभी भी ना मुझे लगता है कि मुझे अपनी जगह बनाने में बहुत टाइम लगा है. बहुत सी चीजें करने में, मनवाने में, एक्टिंग में, क्योंकि जाहिर है अब मैं किसी की और की जगह तो नहीं ले सकती हूँ ना. सब ने इतनी मेहनत की है. अब चलो हम तो लकी हैं कि हमें प्लेटों में मिल गया था, बाकी लोगों को तो प्लेटों में नहीं मिला है ना. सबने मेहनत की है. तो उन्होंने जो अपनी एक जगह बनाई हुई थी ना, तो मैं उसको नहीं हिला सकती हूँ. हाँ, मैं अपने लिए अपनी जगह खुद बना सकती हूँ. जो मैं हूँ वो मैं ही होनी चाहिए. मैं किसी की और की जगह नहीं रिप्लेस कर सकती हूँ. मेरी अपनी होनी चाहिए. तो वो उसी स्ट्रगल में मैं अभी तक लगी हुई हूँ कि नहीं, मुझे जो वो कर रहा है मुझे वो नहीं करना. जो मैं खुद हूँ मुझे वो करना है. तो स्ट्रगल आपको ये लगता है कि वो मतलब इतना चांस नहीं दिया जाता है, जो लोग एस्टैब्लिश्ड हैं उन्हीं को ज़्यादा चूज किया जाता है, इस सेंस में आपकी स्ट्रगल है? नहीं 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 नहीं, फिर बस व्यूअर में जैसे लोग आपको के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल आपने, मैंने सोचा नहीं. मैं इंडस्ट्री का कि लोग भी तो आपको एक्सेप्ट करें ना, कि आपने ये रोल किया उसमें आपको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो किया. ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है. तो कोई एग्जांपल देके बताएं, कोई फीडबैक. जैसे मैं नेगेटिव जब भी करती हूँ तो मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं आप नेगेटिव नहीं अच्छी. वो आपको इतनी मोहब्बत जो करते हैं, तो दे वांट टू सी यू इन पॉजिटिव. वो बस जैसी आप है ना वैसी अच्छी लगती है. बट दादा एक बात है, जब आप पहली थी, अब आपने मेंशन किया कि आपको तो प्लेट पे रख के मिल गया, वो इज इट कितना फ्रस्ट्रेटिंग है इस वक्त? उस वक्त तो हाथों हाथ लिया जा रहा था, इस वक्त तो How do you deal with it? क्या करती हैं आप? और वो और क्या है कि आप आगे जा रही हैं, मतलब नहीं, अब तो खैर अब मेरे ख्याल में हम लोग जो भी कर रहे हैं अपनी मेहनत से कर रहे हैं. और आपकी एक अब स्ट्रगल तो नेचुरली, आप देखें आप एक्टिंग में तो आप कभी भी अपने आप को ये नहीं कह सकते ना कि नहीं जी नहीं मैंने सब कुछ कर लिया, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ. ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं. हम मैं हर सेट पर जाती हूँ और हर कोई भी जो भी नया डायरेक्टर है, पुराना डायरेक्टर, लेकिन मैं उस पर डालती हूँ. मैं कहती हूँ आप मुझे बताएं कि मैंने क्या करना है. बिल्कुल. हम लोग ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं. हम ये नहीं कहते कि नहीं नहीं हम बहुत बड़े एक्टर हैं, हम खुद बस हमें पता है हम कर लेंगे. नहीं. हालांकि आपके पास तो एक्सपीरियंस है लेकिन उस टाइम पे फिल्मों में भी काम किया. हाँ, लेकिन आपको अगले बंदे का भी तो पता होना चाहिए ना कि वो क्या चाहता है. अब नेचुरली वो भी तो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, उसकी भी तो कोई सोच होगी ना. हम अपनी सोच उस पर कैसे डाल सकते हैं. जब आपने स्टार्ट किया था तो उस वक्त आपके कोई इंडस्ट्री में मेंटोर थे जिनसे आप सीख रही थी या जिन्होंने आपको किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मैंने कोई ख़ास में जो वो नहीं था कि बस ठीक है कर रहे हैं बस. कोई वो नहीं था कि जी मैं इसके लिए. अगर बाबरा शरीफ हैं उस वक्त, देखिए बाबरा बहुत अच्छी वो थी, उनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती थी मेरी. अच्छा. हम लोग आपस में काफ़ी काम भी हम लोगों ने किया है. वो बहुत स्वीट थी. अच्छा. बहुत अच्छी थी. वरना उस वक्त हम वो जो दौर था ना, वो एक तो हुच लोगों का दौर था. पंजाबी मूवीज़ बनती थी. जब मैंने स्टार्ट किया था तो तब उस वक्त कॉन्सेप्ट उर्दू मूवीज़ का बहुत कम था. सब पंजाबी मूवी और ये वो, वहाँ का माहौल एक थोड़ा सा डिफरेंट था. तो अभी जब आप वापस आई हैं तो आपको क्या सेटलमेंट, क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ी है फ्रॉम दैट टाइम टू नाउ? क्योंकि इंडस्ट्री अब बहुत चेंज हो गई है. हाँ. तरीका बहुत काम करने का चेंज हो गया है. यू नो मुझे लगता है हर चीज़
नहीं अब अच्छा हो तो गया। आपको क्या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ रही हैं, क्या चीज़ें चेंज करनी पड़ी हैं आपको? नहीं मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा, बल्कि आपने नया ही स्टार्ट किया। हाँ मुझे तो नया स्टार्ट करना पड़ा, जीरो से करना पड़ा। और फिर मुझे ये कि मुझे अच्छा लगता है, जितने भी बच्चे जो काम कर रहे हैं मुझे मज़ा आता है, मुझे कभी किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत से लोग कहते हैं नए जो आर्टिस्ट हैं, जो नए बच्चे हैं, वो सीनियर्स को उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते। आपको कभी एक्सपीरियंस हुआ या आपको लगता है ये एग्जिस्ट करती है चीज़? मेरे ख्याल में खुद पे डिपेंड करता है। अच्छा, मत घुसे ना आप उनके अंदर। ओके, आप अपने काम से काम रखिए, अपना जो काम अपने हाथ में। हाँ तो मुझे नहीं लगता। और वो बच्चे मेरे से ज़्यादा फ्रेंडली भी हो जाते हैं, पता है आपको, जब आप थोड़ा सा हाँ हम लोग जब उनको वो नहीं कहते ना कि ये तुमने क्या पहना है, ये क्या क्यों कर रहे हो, तो वो बेचारे वो जब उनको नहीं बोलते तो वो खुद ब खुद फ्रेंडली भी हो जाते हैं। कोई इतना इशू नहीं हुआ, मुझे नहीं हुआ कभी भी। पुराने दिनों की क्या बात सबसे ज़्यादा मिस करती हैं आप? यार हमारे दौर में फेम बहुत थी, बहुत फेम थी, सच में। अब नहीं है आपको लगता है? अब इतनी फेम नहीं है लोगों में। कैसे यार, हम लोग आप सोचो कि हम लोग इतना सा रोल करते थे जब पीटीवी पे भी करते थे या फिल्म में करते थे, जब हम बाहर निकलते थे लोगों में उठते बैठते, तो आप सोचिए हम इतने लोग पागल होते थे, इतने लोग पागल होते हैं। अब तो एक मतलब एक दो आंटियाँ बोल देंगी कि हाँ मैं आपको बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन वो पीछे की तरफ जाएंगी कि हमने पीटीवी पे जब वो देखा था तो आप ये थी और वो थी। अब लेकिन अभी भी वो रिकग्नाइज पीटीवी को करते हैं, पीटीवी को करते हैं। तो उस वक्त कोई वाकया हुआ जब शुरू शुरू में आपने स्टार्ट किया और लोगों ने पहचाना, क्या कोई किस्सा हुआ जो आप सुना सकते हैं? हम लोग जब बाहर जाते थे ना शॉपिंग पे चले गए या कुछ, तो बहुत मुश्किल होता था, लोग नहीं जगह नहीं देते होंगे तस्वीरें, ऑटो उस वक्त तो ऑटोग्राफ लेते थे, ऑटोग्राफ लेते थे ना। देखिए मज़ा आता था यार, मैं मुझे अभी तक याद है कि हम लोग एक मैं फिल्म कर रही थी, उसमें टाइटल सॉन्ग था, गेस्ट अपीयरेंस थी उसमें, नज़र इस्लाम साहब थे उसके डायरेक्टर, तो मुझे मूवी का आप नाम बिल्कुल याद नहीं है। तो हम लोग टाइटल शूट करने के लिए उन्होंने गाना शूट कर रहे थे, ये जिधर आपका NC है Okay. और वो मेन रोड पे। अब मेरी हालत ऐसी थी कि यहाँ से शर्ट फटी हुई थी और पता नहीं वो बोल भी कुछ ऐसे थे और मट्टी सब लगी हुई थी और मैं बीच में कार्टून बनी हुई थी लोगों में और लोग मुझे ऐसे ऐसे घूर रहे थे। बहुत हौसला चाहिए वैसे, सच में उस वक्त इतनी शर्म आ रही थी कि यार कैसे करूँगी, कि मैं कैसे करूँगी, लेकिन फिर जब कैमरा ऑन हुआ तो कर लिया। आई नो बड़ी हिम्मत चाहिए होती है इस तरह अपने कंफर्ट जोन से निकल के इतने लोगों के सामने कुछ करना। लेकिन बाज़ वो पता है लोग जब मिलते हैं ना, अब तो खैर हम लोग यूज्ड टू हो गए, पहले जब मिलते थे तो उनकी ओपिनियन कुछ और होती थी, और अब मिलते हैं ना तो वो एक ही जुमला कहते हैं कि हमने आपको छोटे होते हुए देखा था। मैं कहती हूँ अच्छा बेटा ठीक है कि यार कितने छोटे होंगे कि आप मेरी उम्र के लग रहे हैं, तो आप सही बात है कहते नहीं आप छोटे। ये इंडस्ट्री से लोग कहते हैं या आउटसाइड इंडस्ट्री? हाँ इंडस्ट्री वाले के जो मेरे साथ लीड करते थे या हीरो आते थे, अब वो आपा कहते हैं। सोचे आप कितना फर्क है। कभी बोला नहीं आपने? नहीं कुछ कहती हूँ, कहती चलो इनका दिल खुश होता है उन्हें दो, कोई बात नहीं। अब आजकल कोई फैन रिएक्शन हुआ है किसी ड्रामे पे या किसी उस पे जो आप शेयर कर सकें, बाय गई हों लोगों ने? यार अभी मैंने रक्स बिस्मिल किया, तो मैं अभी लाहौर गई हुई थी शादी में, ये जैन में गई थी, तो जब मैं एंटर हुई हूँ दुल्हन बेचारी बैठी हुई थी, उसके पास कोई नहीं था, जब मैं एंटर हुई तो सब कह रहे थे मूसा की अम्मा आ गई, मूसा की अम्मा आ गई। जब मुझे पहले समझ नहीं आ रही मूसा की अम्मा कौन, हाय कोई मूसा की, मुझे कह रहे इमरान अशरफ की अम्मा, अच्छा अच्छा। तो खैर वो भी फिर दुल्हन ने बेचारी ने अपने मुंह से बोला कि यार मैं भी बैठी हूँ, मेरे साथ भी पिक्चर उतरवा ले। मैंने कहा बट बड़ा अच्छा लगता होगा ना कि रिकॉग्नाइज, और वो कैरेक्टर मुझे लगता है था भी बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही मेरे उसके इमरान के सीन भी बहुत मजे के थे, बहुत ही प्यारा कैरेक्टर था वो आपका। तो अम्मा का क्या रिएक्शन होता था, कोई कभी हुआ कि अम्मा ने फाइनली आके बोला हो कि ये रोल मुझे तुम्हारा बहुत अच्छा लगा या तुम? अम्मा ने तो हमें कभी एक्टिंग में तो एक्सेप्ट किया ही नहीं था ना। ओह अच्छा, अभी भी जब रिसेंटली भी जब आप अम्मा की तो डेथ हो गई ना, अच्छा उसके बाद आपने किया था? ओके, मैंने तो अम्मा की डेथ के बहुत बात की है, अम्मा की डेथ हुई है 2009 में मैंने स्टार्ट किया, 2005 या 6 में किया। तो बहुत अभी अगर हम रोल्स देखें सीनियर आर्टिस्ट के, तो मुझे लगता है कि बहुत दफ़ा
काफ़ी मोनोटनी होती है, सिमिलर रोल्स होते हैं. आपको कभी फ्रस्ट्रेशन फील होती है जब उसी तरह के रोल थोड़ा सा यू नो कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया, रेड की जगह ब्लू लगा के, बट ओवरऑल चीज़ वही होती है, पेश किया जाता है, तो उसको आप कैसे डील करती हैं, या आप इस उम्मीद में आगे जा रही हैं कि कभी तो चीज़ें चेंज होंगी, सपोर्टिंग रोल्स या सीनियर्स के रोल्स को थोड़ा सा क्रिएटिवली बेहतर लिखा जाएगा, हमें वही अम्मा वही सास नहीं देखने को मिलेगी. मैं तो अब सोचो कि मैं तो अब उनसे जब फ़ोन आता है उनसे पूछती हूँ ना कि अच्छा आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि मेरे डेज कितने हैं और क्लास कौन सी, अपर क्लास है, लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है. बस मुझे पता होता है अगर मिडिल क्लास लोअर क्लास है तो रोना पिटना है. एक की बेटी भाग जाएगी या एक का कुछ हो जाएगा, उसमें रोने पिटने. अपर क्लास होगी तो बस आपने कपड़े पहन के और बस दिखाना है और कुछ यही हो रहा है. तो मतलब वो मतलब बहुत कम ऐसे करेक्टर होंगे मेरे ख्याल में जो आपको मिलते होंगे अच्छे. बट आप देख रही जैसे मूसा का की मम्मी का जो कैरेक्टर था बड़ा डिफरेंट था, लोगों ने पसंद भी किया सब, और उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट भी थी ना मूसा की जिंदगी में, शी वाज वन ऑफ द वंस जिन्होंने बड़ा एक्शन लिया कुछ किया, तो उसमें मतलब रेंज थी खेलने की एक्टिंग करने की. आपको लगता है कि चीज़ चेंज हो रही है आहिस्ता आहिस्ता या हम उम्मीद छोड़ दें? नहीं यार, मुझे लगता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को भी समझ आ गई है और अब स्टोरी पे थोड़ा सा ध्यान तो दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत हो गया है. अब जब से आपका ये नेटफ्लिक्स वगैरह सब कुछ आया है तो उसकी वजह से बहुत कंपटीशन आ गया है. अब मुझे लगता है कि लोग क्योंकि उसको ज़्यादा देखना प्रेफर करते हैं तो फ़र्क तो पड़ता है ना काम में. तो अच्छा है ना, हमारे लिए भी अच्छा है कि हम थोड़ा सा बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे. हमें डिफरेंट रोल मिलेंगे तो हम उसको बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे. आपके पास मार्जिन होगा. अब जैसे रब बारिश में मार्जिन था, मूसा की माँ में मार्जिन था, सही बात है, तो इवन थोड़ा सा हक में भी जो था, थोड़ा सा हक में भी था, लेकिन थोड़ा सा हक में स्क्रीन प्रेजेंस ज्यादा थी मुझे लगा है. अदरवाइज कुछ नहीं था उसमें कि वो मुझे लगता है कि मुझे फील होता है कि एक तो उन्होंने इतना उसको प्रोलॉन्ग कर दिया और फिर मुझे लगता था कि जैसे मैं फिलर के तौर पे उसके अंदर ना. अच्छा, आपको लगता था उसमें थोड़ा सा में, हालांकि आपकी तो बड़ी इम्पोर्टेंट पोजीशन थी. हाँ, लेकिन मुझे लगता था कि जैसे मैं उसके अंदर फिलर हूँ. ओके, कुछ करने को नहीं था ना मेरे लिए, तो वो मुझे लगता था कि मैं कुछ फिलर टाइप की हूँ. अच्छा बताइए, रक्से बिस्मिल कैसे आया आपके पास और क्या था जब स्क्रिप्ट आया तो हाँ क्यों बोली, क्या किया? मैंने वजाहत और शाजिया की मुझे कॉल आई कि ऐसे ऐसे रोल है तो आपने करना है और बड़ा अच्छा रोल है और इसमें एक पीरनी का रोल है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा. मुझे भी लगा कि थोड़ा सा डिफरेंट होगा तो मुझे कर लेना चाहिए, मुझे इनकार नहीं करना चाहिए. और फिर मैंने वो किया. उसमें पूरा जो गेटअप था वो आपका खुद आइडिया था? मेरा खुद आइडिया था, बिल्कुल. अच्छा, मेरा खुद आइडिया. इन्होंने मुझे कहा था कि हमें शॉल्स वगैरह सर पे दुपट्टे होंगे, मैंने कहा हाँ ठीक है. वो मैंने सब खुद किया था. ओके, तो क्योंकि बहुत क्लोजली देखा हुआ है पीर घराने में कि किस तरह की उनकी औरतें क्या कैसे दुपट्टे ओढ़ती हैं, कैसे उनकी शॉलें वगैरह सब कुछ. तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसे ही गेटअप चाहिए था. और मज़े की बात, लोगों ने एक्सेप्ट ही किया ना, लोगों ने उसको पसंद किया कि ये आपने बिल्कुल ठीक पहना है सब कुछ. मुझे एक्चुअली रक्से बिस्मिल की बड़ी खूबसूरत बात ये लगती है कि उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात की, लेकिन कहीं भी उन्होंने ये जो इस तरह के घराने होते हैं उनको ऑफेंड नहीं किया, उनकी बेइज्जती नहीं की, उनकी कुछ ऐसा नहीं किया कि जिससे उनकी वो हो कि यार क्वेश्चन नहीं किया उनको ना, उनको उनकी वो ड्यू रिस्पेक्ट जो है वो. और आप सब ने, आप जितने कैरेक्टर्स थे उन सब ने भी उस चीज़ को बड़ा जहन में रखा. तो मुझे लगता है कि ये बड़ी एक खूबसूरत बात है रक्से बिस्मिल की. बस हर एक ने, चाहे वो छोटा रोल हो बड़ा रोल हो जिसका भी था, लेकिन उसने उसी तरीके से उसको कैरी किया. और बड़े मुझे लगता है हर रोल की अपनी एक पोजीशन थी उस ड्रामे में, उनको बड़ी अच्छी स्क्रीन प्रेजेंस ही मिली. तो इमरान अशरफ के साथ कैसा था काम करना? इमरान के साथ तो ये मेरे ख्याल में मेरा आई थिंक दूसरा सीरियल था. उससे पहले कहीं दीप जले था, हालांकि उसमें मेरे साथ वो काम नहीं था. आपके दिल मोम का दिया उसमें था, मैंने किया था. इमरान अच्छा है, बहुत अच्छा है, स्वीट है. बार वो चाहता है कि जैसे उसको लाइनें याद हो जाती हैं तो हमें भी ऐसी लाइनें याद. फिर तो बड़ा प्रेशर होता होगा आपके ऊपर. वो तो राइटर है ना, वो तो बोल सकता है ना लंबी लंबी लाइनें सब कुछ, तो हमें जरा सोच के बोलना पड़ता है. तो वैसे माशाल्लाह
बहुत अच्छा ही रही है। सुना है मैंने कि वो बड़ी पैशनेट है अपनी एक्टिंग, बहुत ज्यादा एक सीन को तीन दफा जब तक खुश नहीं हो तो कोई सीन था आप लोगों का जो वो तो इतना स्पेशली जिसमें रो रहे होते हैं आपके साथ बैठ के ना, और अच्छा मुझे इतने खूबसूरत सीन लगते थे, जो केमिस्ट्री थी ना माँ बेटे की वो इतनी अच्छी थी, जिस तरीके से वो बोलते थे फिर आप समझ लेती थी एज अ मदर उनकी बात, मुझे लगा बड़ी अच्छी बैठ गई थी आप दोनों। हम लोगों ने पहले जब रिहर्सल की थी ना तो मुझे इमरान ने कहा था कि मैं आपकी गोद में ना सर रखूंगा, तो मैंने कहा रख लो, तो तुसी परेशान तो नहीं होगे, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा, मैं कहा नहीं मैनू नहीं बुरा लगेगा तो रख ले, मैंने कहा तो मेरा पुत्र है तो होता होगा शायद किसी को बुरा लगता होगा, तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। अच्छा वो भी जब डायलॉग बोलता है ना तो वो खो जाता है ना, उसकी अपनी एक इमेजिनेशन है, उसके दिमाग में कुछ और बैठा हुआ होता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना, फिर वो हमसे भी यही समझता है कि हम भी वैसे ही करें, तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है इमरान को ना, इमरान बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा है तो, और वो इसीलिए बड़े पैशनेट होकर काम भी करते हैं, एंड आई थिंक वो बड़ा कनेक्ट हो जाते हैं अपने कैरेक्टर से, बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी कर रहे हैं ना हम लोग कर रहे हैं अभी, मैं भी नाम नहीं ले सकती उसका, तो बड़ा अच्छा उसका रोल अच्छा, है आपका दूसरा प्रोजेक्ट भी है वो जियो वालों का है, उनके साथ हम लोग कर रहे हैं, तो वो भी उसमें भी इसका यही हाल है। ओके तो फिर आप क्या करती हैं, आप पहले से बोलती थी इमरान मुझे टाइम चाहिए, मैं मेरे साथ जरा मैं पहले करके आ रही हूँ फिर नहीं कर लेते हैं हम लोग। अच्छा अभी बल्कि जब मैम उस दिन हम लोग लेट हो गए शूट के लिए, तो मैं तो 9 बजे के बाद बिल्कुल ऑफ हो जाती हूँ ना, मुझसे तो बोला ही नहीं जाता कुछ क्योंकि मैं सुबह 6 बजे की उठी हुई होती हूँ, तो 9 बजे के बाद तो मैं बिल्कुल ख़त्म हो जाती हूँ। तो अब वो सीन हमारे डायरेक्टर ने कहा कि नहीं 11 बजे मजबूरी थी, वो एक सीक्वेंस कर रहे थे बहुत लंबा हो गया था उनका, तो निदा ये छोटा सा ये करवा के जाना है, मैंने कहा देख लो, मैंने कहा यार मैं 9 बजे के बाद ख़त्म हो जाती हूँ मुझसे नहीं बोला जाएगा, कहते नहीं नहीं कर लेंगे कर लेंगे। मैं और इमरान खान महमूद असलम था उसमें, तो उसमें 11 बजे इन्होंने स्टार्ट किया शॉर्ट सीन स्टार्ट किया, और उसमें मेरे डायलॉग थे क्योंकि उसमें वो अपने आई थिंक जेठ के बेटे को सुना रही है, तो वो मुझसे तो बोला ही नहीं जा रहा था, एक दफ़ा बोला इमरान मेरे पता ओहो परेशान नहीं हो कोई गल नहीं कोई गल नहीं, तो फिर बोल लो मैं दोबारा इतों आ जा I can walk as many times as you want. मैंने कहा इसका तो शौक पूरा हो रहा है मेरी क्या कम मैं इतनी बड़ा डायलॉग नहीं दे सकती लेकिन खैर वो हो गया मैंने कहा इमरान अच्छा नहीं हुआ ना, नहीं नहीं बहुत अच्छा हो गया, तुसी जाओ जाओ मैं अपने क्लोज कर लूंगा, मैंने कहा मुझे पता है तुमने क्या करने But that's so nice to know कि वो you know he's also supporting you और वो कह रहे कि मिलके कर लें, और ये कि उनको एहसास नहीं है कि आपको आपको इतना ज़्यादा नहीं time spend करना पड़े, तो it's nice जब कोई actors इस तरह एक दूसरे को वो कर रहे हो। थोड़ा सा हक भी हम लोगों को मज़ा आया था क्योंकि मेरी सभा के साथ मतलब उस सीरियल में दोस्ती चल रहा होगा आप लोगों का वहाँ पे फुल टाइम है ना, इमरान आप सबा आयजा यू नो मशाल खान यू नो आप लोग तो मतलब फुल टाइम बेरोज साहब थे भाई। आयजा का तो ये हाल था ना कि वो खुद तो कुछ खाती नहीं बंदी और सबको खिला, और जब वो घर जाती थी वापसी में 2-3 दिन केक उठा के कभी कुछ लेकर आ गई, मैंने कहा बहन तुम खुद तो खाती नहीं हो, मैं किस खुशी में मोटा कर रही हूँ कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता उसका ये होता था। इमरान भी इतना नहीं खाता, इमरान इज गुड, इमरान तो मुझे लगा फिटनेस के थोड़े होंगे, बहुत ख्याल रखता है भाई बहुत ख्याल रखता है, वो इतना सा पीस खाता है उसके बाद बेचारा फ्रूट फ्रूट फ्रूट, लेकिन वैसे बहुत स्वीट है बहुत स्वीट है, मतलब उसके अंदर भी मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी है कि सबके साथ बड़ा मिक्सअप होकर काम, हम लोग तो जब हमारा ब्रेक होता था हम लोग तो बेचारा वो गाने हम उसके सुनते रहते थे, उनका चलो भाई गाने ही सुना दो तो फिर गाने कौन सा गाना बहुत अच्छा लगता था आपको, इंडियन हम लोग इंडियन पुराने सॉन्ग पुराने हाँ पुराने वाले सॉन्ग जितने किशोर कुमार के थे सब हम बैठ के हम सुनते थे। तो थोड़ा सा क्यों लिया आपने आप, क्योंकि आप अभी कह रही हैं आपको लग रहा था कि वो फिलर वाला लग रहा है यार, जैसे स्क्रिप्ट आया होगा स्क्रिप्ट आया था, लेकिन स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा था, लेकिन जब वो उन लोगों ने इतना प्रोलॉन्ग कर लिया शुरू से था कि इतना ही होगा या थोड़ा बीच में खींचा फिर उन्होंने देखा कि जब ड्रामे की रेटिंग आ रही है तो पता नहीं क्या किया, लेकिन ठीक था मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया मुझे ठीक था, आई लाइक हर ऑनेस्टी हाँ ठीक था। उसमें सभा का बड़ा अच्छा रोल था, सभा ने उसमें नेगेटिव किया था। अच्छा मजे की बात थोड़ा सी हक पे ही मेरी सभा से बहुत ज़्यादा दोस्ती भी हो गई, अदरवाइज हम
मैं इतनी बात नहीं करती थी और उन दिनों में हम लोगों ने ऊपर नीचे 2 से 3 सीरियल इकट्ठे किए थे और मैं ही उसकी बहन बनती थी। एक और में भी आ रहा था, हाँ, दीप जले में था, उसमें भी मैं उसकी बहन बनी थी। तो अभी जब मुझे उसके बाद ऑफर आई ना, तो कहने लगे कि जी ऐसे ऐसे रोल है और उसमें आपको सबा की बहन बन, मुझे बनना ही नहीं, कितने ड्रामा बनूंगी बहन, मैंने कहा मैं तो नहीं बन रही सबा, नहीं आपको कोई इश्यूज है, मैंने कहा क्या मतलब है इश्यूज है, मैंने कहा मेरे उसके साथ कोई इशू नहीं है लेकिन मुझे उसकी बहन नहीं बनना, कुछ और बना दो, समधन बना दो और फिर उसकी बहन नहीं बनाना, मैं कहा ये क्या बात है, एक हिट हो गया था जिस सब में बहन बहन बहन, कहा नहीं मुझे नहीं बनना। ये टेंडेंसी है इंडस्ट्री में ना कि वो एक हो गया तो फिर अच्छा, फिर रब मेरा रब वारिस ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट, बहुत और आपका बड़ा डिफरेंट टाइप का रोल था और मुझे लगा उस रोल की जो पूरी पोजिशनिंग थी ना वो एक, जब मैंने भी शुरू किया तो मैंने कहा अच्छा ये तो डिफरेंट है फील इसकी ना, इस कैरेक्टर की भी, उसकी रिलेशनशिप की भी, तो जब वो आया था आपके पास तो क्या ऐसे ही था या उसको चेंज किया? नहीं, कोई चेंज नहीं किया था हम लोगों ने, जब वो स्क्रिप्ट आया तो मुझे पहले से उन्होंने कहा था कि ये इतना बड़ा रोल नहीं है, मैंने कहा अच्छा हाँ मेरे ख्याल में चेंज हुआ था। आपने मुझे किस्सा सुनाया था ना कि अभी ऑफ कैमरा के वो फजीला काजी से बात हुई और उन्होंने कहा था एक छोटा सा नौकरानी का रोल है, फिर उसको कैसे आपने वो वही कहानी दोबारा सुना दी व्यूअर्स के लिए भी, बिल्कुल प्यारी कहानी है। जब मैंने ये, उन्होंने मुझे कास्ट बताया कि ये कास्ट है, मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो इसमें जैन आपका बेटा बनेगा, मैंने कहा अच्छा, जैन को मैं उस वक्त जानती नहीं थी। ये आपका पहला प्रोजेक्ट? पहला नहीं, जैन का शायद मेरे ख्याल में फर्स्ट या सेकंड, आपके साथ उनका, मेरा उसका पहला था। तो असद जबल डायरेक्टर थे उसके, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। हम लोग शूट पर जब गए तो फजीला किस, अच्छा फजीला अपर क्लास थी, मेरा लोअर क्लास था, तो उसमें स्टोरी ऐसी थी कि उन्होंने हमें पाल रहे हैं वो लोग, मैं उनके घर में नौकरानी हूँ। जब मैं गई हूँ तो फजीला को बड़ा शौक हुआ कि जी मैं और नौकरानी का रोल कर रही हूँ, तो मैंने कहा क्या हुआ, मुझे कहने लगी तुमने क्यों किया नौकरानी का रोल, मैंने कहा देखो, मैंने कहा तुम्हारा एक अपना रोल है, मेरा एक अपना रोल है, और मैंने कहा ये बहुत अच्छा है, कोई इसमें, कहती नहीं मैं तो नौकरानी तुम्हें वो वैसा ट्रीट कर ही नहीं सकती हूँ। तो खैर वो कर आगे पहले मान नहीं रही थी, फिर उसने कहा कि अच्छा ठीक है मैं आपको बाजी कहूँगी, मैंने कहा अच्छा चलो तुम छोटी हो जाओ मैं बड़ी बन जाती तो उसने खैर फिर वो डायरेक्टर का ट्रीटमेंट ऐसा था कि वो पता भी नहीं चला कि ये कौन है, इस घर का फर्द उन्होंने कर दिया, थोड़ा सा चेंज किया, ऐसा लगता था कि घर के यू नो एक घर का, फिर वो उसका चेंज हुआ कि वो जो लड़का था फिर वो सीएसएस कर लेता है, फिर वो अपर क्लास में चला जाता है, बड़ा अच्छा माँ को रखता है, माँ को रखता है, फिर लेकिन वो उस वक्त उसमें जितने भी मेरे और जैन के सीन होते थे ना बहुत मजे के होते थे, लिटरली हम लोगों की आंखों में से आंसू आते। कि तो वो स्टोरी ऐसी थी कि फर्स्ट टाइम उसमें एक अबाया वाली लड़की दिखाई थी इन लोगों ने, कहानी बहुत डिफरेंट थी, हाँ दानिश भी था उसमें, दानिश तैमूर, सीमी पाशा, ये लोग सब थे, और जब मेरे और उसके डायलॉग ऐसे आते थे जैसे हम एक दूसरे को शेर सुना रहे हैं ना, नेचुरल निकलते थे, इतने प्यारे उन्होंने डायलॉग लिखे, डायलॉग ही बहुत खूबसूरत थे, बहुत खूबसूरत लिखे हुए थे, और जैन ने किया भी बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा है जैन ने भी, आपने भी, और मुझे लगता है माँ और बेटी की केमिस्ट्री वहाँ पे भी बहुत अच्छी थी आप दोनों की, बहुत अच्छा किया था जैलिन, ज्यादा अच्छे करते। इसके अलावा आपको अपना कौन सा प्रोजेक्ट, शहनाई मुझे आजकल आपका बड़ा पसंद है, शहनाई में मजा हम लोगों ने एंजॉय बहुत किया है, नहीं मुझे आपका कैरेक्टर मतलब मुझे उसमें आपकी ड्रेसिंग भी डिफरेंट लगी, मुझे हेयर स्टाइलिंग मेकअप भी मुझे डिफरेंट लगा, तो वो हो गया या आपने ये एफर्ट की थी कि कोशिश की कि नहीं इसके लुक फील डिफरेंट आए? हम लोगों ने की थी क्योंकि हम लोगों में माइंड में था कि यार अब जितने भी अभी चल रहे हैं तो उससे थोड़ी सी लुक डिफरेंट आए, क्योंकि उसमें दिखाता है उस इतने बड़े घर की एक सबसे बड़ी बहू है और उसका थोड़ा सा चेंज होना चाहिए बाकी लोगों से, तो अगर वो किसी ने किया भी बहुत अच्छा था, उसमें मेकअप, बाल मेरे अपने थे, सब पूछते कि आपके एक्सटेंशन थे, मैंने कहा नहीं मेरे अपने बाल हैं, लेकिन आई थिंक अब आपने कटवाए हैं, उसमें लंबे बाल आ रहे हैं, अभी भी लंबे जी, हमें एक एक्शन चाहिए था, हमने कहा एक्शन भी आ जाए, अभी भी लंबे, लेकिन उसमें सब लोगों, हम इतने सारे लोग थे ना, सचमुच वो लगता था कि वाकई ये जो स्टोरी चल रही है ना हम सबकी है, बड़ी रिलेटेबल थी, लाइक वो लगता था किसी अपनी किसी कहीं फैमिली की कहानी है ना, ऐसा आपको लग, बहुत कैरेक्टर्स और जिस तरीके से वो जो आपका वाला रोल था ना, बड़ी बहू घर की, यू नो वो जाके नन से भी कैसे बात कर रही है और सबको साथ रखती है, वो पॉजिटिव भी, फिर एक जगह आके वो इतना दुखी भी हो जाती है कि यार मेरे सारे, मैं इतनी अच्छी हूँ और ये लोग सारे मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं,
लेकिन हमारी जो होल टीम थी ना वो बहुत अच्छी थी. हाउ वाज वर्किंग विद रमशा? रमशा के साथ मेरा दूसरा सीजन था. कैसा है नसीबा? हाँ कैसा है नसीबा मैंने किया था, तब भी वो बहुत अच्छी थी, आज भी बहुत अच्छी है. उसमें कोई एक्टरों वाली चीज़ नहीं है, वो एक अल्लाह लोग बंदी है और बस काम करना होता है उसको और कुछ नहीं करना होता. अपने आराम से हम बिल्कुल उसको कहते हैं कि तुम हीरोइन हो, कोई नखरे दिखाओ. गलत नहीं करें भी हमारे एक्टर्स को, प्लीज ऐसी बातें मत करें. मुझे याद है वो हमारे पास इंटरव्यू के लिए आई, हम इंटरव्यू करके वहाँ बाय बैठे, फिर वो बैठ के ना बाय बेंच पे हम लोग गप्पे लगा रहे हैं और पूरा डिस्कस करें ये वेब सीरीज देखी. जैसे बिल्कुल मैं एग्जैक्टली मैं कहूँ ये तो यार शी इज एन एक्ट्रेस यू नो थोड़ा सा वो, बट वो बिल्कुल आपके लेवल पे आके ऐसे लगता था जैसे हमारी छोटी सी एक दोस्त है छोटी सी और वो बीच में बैठ के ना अच्छा ये हुआ था वो. आपके अपने कौन से फेवरेट रोल्स हैं आपके? मुझे रब वारिस, मुझे लग रहा है वो मुझे रब वारिस, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वैसा रोल आप मुझे कभी मिलेगा. तो आपके पास जब स्क्रिप्ट आता है अदर देन कि अब आप ये पूछती हैं कि अपर क्लास मिडिल क्लास कैसा है और कितने दिन का काम है, आपकी अपनी दिली ख्वाहिश क्या है कि आपके पास किस किस्म का स्क्रिप्ट आए, कैसा रोल आए जो आप करना चाहती हैं, या आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ मिसिंग है सीनियर्स के लिए जो रोल्स लिखे जा रहे हैं, सपोर्टिंग रोल्स लिखे जा रहे हैं, या जो अदर देन जो हीरो हीरोइन के अलावा जो कैरेक्टर्स हैं उनमें जो रोल लिखे, क्या चीज़ की कमी है, क्या होना चाहिए? क्योंकि आपने पहले भी देखा है और अभी भी माशाल्लाह से काफ़ी अर्से से आप काम कर रही हैं. यार मैं कहती हूँ कि आप खैर अब तो हम इस सिचुएशन में हैं कि कोई भी रोल मिल जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि अपने हिसाब से अपने एक नाम की वैल्यू थोड़ी बहुत रख के उसको अच्छे तरीके से कर लें. ओके ये प्रेशर है आपके ऊपर? हाँ नेचुरली आपको अपना नाम होता है आपका, कुछ भी आप कर रहे होते हो और फिर पब्लिकली अगर वो चीज़ें गलत हो जाएंगी तो आपके लिए गलत होगा ना, तो वो सोचना पड़ता है. मेरे ख्याल में कि अब जैसे मैंने दिल नवाज किया उसमें रोल तो एक नॉर्मल था, एक माँ बेटा उनकी स्टोरी थी कि उसमें वसीम अब्बास में, लेकिन क्योंकि वो लोगों को अच्छा लगा, एक थोड़ी सी सख्त वाली भी माँ थी उसमें, एक फ्लाइट वाली भी थी उसके अंदर, थोड़ा सा वो लोगों को लगा कि ये डिफरेंट है. जैसे अभी मैंने ये शहनाई किया उसमें भी लोगों को लगा अच्छा. उसमें ये था कि मुझे अक्सर लोग कहते थे कि तुमने रख के थप्पड़ क्यों नहीं मार रही अपनी बेटी को. अरे भाई मैं कैसे मार सकती हूँ, मैंने कहा नहीं बड़ी बेटी है, इतनी बड़ी बेटी है और आप नहीं, वो आपकी बेटी आगे से आपको जवाब दे रही है और वो भाग जाती है इधर चली जाती है तो आपको थप्पड़ मारना चाहिए. मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा मैं उससे पूछ के मारूंगी. रमशा बच गई आप. ओके मैंने जब वो दिल मोम का दिया किया था ना तो जिस दिन उसका लास्ट एपिसोड चला था तो मेरे सेकंड डे में जो फ्लाई करना था अमेरिका के लिए, तो आप लिटरली खुदा की कसम इंडियन औरतें मुझे पकड़ के उन्होंने कहा कि आप कैसी माँ हैं. मैंने कहा क्या मतलब है मैं कैसी माँ हूँ, क्या आपकी बेटी इतनी बदतमीजी कर रही, उसको इतना कूल सा बंदा मिला यासिर नवाज और उसने उसको छोड़ के उससे शादी कर ली, अब देखा उसका अंजाम क्या हुआ. कहा यार ये लोग कितना अटैच होके देखते हैं ना, कितना रिलेट करते हैं. और आपने अपनी बेटी को समझाया क्यों नहीं और था. मैंने कहा भाई ये मेरी बेटी नहीं है, मेरी बात नहीं है. इनका स्टोरी है इसमें. मैंने कहा हम लोग एक्टिंग करते हैं, हम लोग इतने सीरियस थोड़ी होते हैं इसमें. तो वही बात है, आई थिंक जहाँ कैरेक्टर में कुछ जान तो लोग पिक कर लेते हैं, पिक कर लेते हैं और वो पता चल जाता है कि रेजोनेट कर जाता है लोगों के साथ. जावेद शेख के साथ, भरोस सब्जवारी, महमूद असलम साहब, फिरदौस जमाल, आपने इतने बड़े बड़े माशाल्लाह आर्टिस्ट के साथ काम किया है, आई एम श्योर उस टाइम पे भी किया होगा बहुत सो के साथ और अभी भी, तो हमें कोई कहानियाँ सुनाएं, आपको कुछ मज़े की बातें बताएं. जावेद साहब के साथ मैंने जो फर्स्ट मूवी की थी ना, पहली मूवी मेरी उनके साथ थी. वाओ ओके. परवेज मलिक उनको याद था जब आप मिली? हाँ उनको हमेशा याद रहता अच्छा, है. हाँ, उनका हमेशा याद रहता है. हम लोग परवेज मलिक साहब उसके डायरेक्टर थे जिन्होंने पाकीज़ा और संगदिल ये लोग फिर, और उसमें मैं उनकी बहन बनी थी और वो मेरे भाई बने थे उसमें. और वो एक मूवी का एक था सिनेरियो ऐसा था कि वो हम दोनों बहन भाई के ऊपर. ओह अच्छा, मतलब उसमें आप दोनों की कहानी. हम दोनों की, उसमें सलमा आगा भी थी मेरे ख्याल में. अच्छा थी. तो तब मैंने जावेद साहब के साथ काम किया. उसके बाद तो खैर मैंने उनके साथ तीन चार मूवीज़ की और
पे जावेद साहब के साथ मैंने आई ड्रीम का सीरियल किया था, रस्में दुनिया। ओके, रस्में दुनिया। रस्में दुनिया जिसमें रूमी इंशा जो उसके डायरेक्टर थे। ओके, वो मैंने उनके साथ, वो पहला ड्रामा, फिर आपने वापस आने के बाद उनके साथ किया जावेद साहब। हाँ, वो मेरा पहला ड्रामा था उसके बाद। तो कैसी हैं एज एन एक्टर, क्या आपने सीखा उनसे, या क्या वो उनकी ट्रीटमेंट कैसी है रोल्स की? या बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं समझती हूँ जो पहले वाले जो हमारे स्टार्स थे ना, वो उन बहुत हम्बल, स्वीट हर एक के साथ। ये नहीं कि अगर मैं उनको जानती हूँ या वो मुझे जानते हैं तो वो इस वजह से मेरे अब बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, नहीं, वो सब के साथ, सब के साथ। और अब तो थोड़ी बहुत रिश्तेदारी है तो वो और भी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। क्या बेनिफिट मिल जाते हैं? नहीं, हम तो खैर वो पहले भी बेचारे कुछ भी नहीं कहते थे, बहुत स्वीट हैं सच में। हम लोग जब रस्में दुनिया कर रहे थे, लाहौर में शूट हुआ था ये, तो खाने का टाइम होता था ना, मुझे के पूछते थे कि तुम क्या खाओगी, क्योंकि वो खुद भी दाल चावल दाल रोटी खाते हैं, गोश्त नहीं खाते। तो मैंने कहा मैं बाहर से कुछ मंगवा लेते हैं, कोई सब्जी। हाँ हाँ, जो तुम खाओगी मैं भी वही खाऊंगा। इतने स्वीट है वो बेचारों में, बिल्कुल नखरा नहीं, कुछ भी नहीं, बैठे स्कूल। उनके साथ आपने किया? मैंने उनके साथ किया काम, पहला मेरा लीड ही उनके साथ था, फिर उसके बाद एक दो और सीरियल किए थे। मैं तो वो रिलेट करती हूँ, जो मैंने पहला ड्रामा किया उनके साथ, वो मेरे हीरो थे और उस वक्त वो कैसे लड़कियों को पटा रहे थे। और अब तो खैर वो हम लोग करेक्टर रोल में आ गए, अब वो जरा थोड़ा सा रिजर्व, पहले इतने रिजर्व नहीं थे, अब मिलते हैं तो थोड़े से रिजर्व हो गए। आपको प्रेशर फील होता है सोशल मीडिया पे होने का? हाँ भाई, बहुत। मैंने कभी जिंदगी में इंस्टाग्राम नहीं बनाया था, सोचे जब बना कैसे। ये कहानी सुननी है, एक दिन मैंने देखा कि नोटिस आ रहा है तो मुझे बड़ा इंट्रीग था, मैंने कहा ये स्टोरी तो मैं कभी, किसने पुश किया, किसने आपको कन्विंस किया? हर एक आदमी जलील कर इंस्टाग्राम पे नहीं हो? हाँ, तुम कैसी हो तुम इंस्टाग्राम पे नहीं? मैंने कहा यार मुझे बगैर इंस्टाग्राम के काम मिल जाता है ना। कहते नहीं नहीं करना है करना है। फिर वो मेरा जो दामाद है साथ, कि नहीं मामा मैं आपका करता हूँ। मैंने कहा अच्छा बेटा, बेटा अब कर ही दो तो अच्छे। अब तो मैं बहुत जलील हो गई हूँ सबके सामने, क्योंकि नेचुरली सभा इतनी इन रहती है। सभा मुझे नीता बताओ अपना कोड बताओ, मैं तुम्हें टैग करती हूँ। मैंने कहा भाई मेरा नहीं है। अच्छा, वो कोई यकीन भी तो नहीं करता था। तो मैंने कहा अच्छा तुम ऐसा करो मेरे बेटे के उस पर आ जाओ फेसबुक पे, उधर से टैग कर लो। कहते नहीं तुम बनाओ, मैं तुम्हारा बना दूँ। अब जब बन गया है तो अब कैसा फील हो रहा है आपको? आपको लग रहा है कोई फ़ायदा हो रहा है, या कोई रिएक्शन आता है, या आप चेक करती हैं जाके, या आपके कोई दूसरे लोग ही मैनेज कर रहे हैं? नहीं, फ़ायदा तो मुझे नहीं पता इसका क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन मुझे ये होता है कि आप बहुत से अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और वो आपको अच्छे तरीके से याद रखते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि बिला वजह आपकी तारीफ करें या बिला वजह आपको कमेंट्स पास करें। तो मेरा ख्याल में ये एक अच्छा ज़रिया है आप का सब लोगों के साथ अटैचमेंट का। मुझे लगता है यूथ के साथ भी ज़्यादा, बिकॉज वो लोग ज़्यादा इंस्टाग्राम पे हैं। इतने बच्चे को इतने अच्छे उनके पॉजिटिव उनके जवाब आते हैं, वो अटैक कर रहे होते हैं कि जी आप उसमें ये लगी, इसमें ये लगी। यहाँ मैंने कहा देखो इंडिया से इतने आते हैं सब लोग, इतना वो करते हैं, तो अच्छी बात है। अच्छा, मेरे पास दो तीन सवाल है, मैं आपसे पूछूंगी, फिर अब आप हमें याद करके बताइएगा कुछ, अगर आपको कहानी याद आती है या कुछ इससे रिलेटेड। सबा फैसल के बारे में कोई बात बताएं जो बाकी सबको नहीं पता हो, मज़े की हंसने सबा वाले। सबा की एक रूटीन है। अच्छा, ठीक है, मेरी भी रूटीन है। मेरी रूटीन जो तो खैर वो भी बहुत तंग है। मेरी तो मासी की रूटीन है कि मैंने 12 बजे अपनी मासी की कॉल आनी होती मिस कॉल, और मैंने उसको खाने का बताना होता है कि ये पकाना है और ऐसे घर मैनेज करना है। सबा का होता है कि जब वो सेट पर जाती है तो उसको पहले तो नाश्ता चाहिए होता है, ठीक है, कभी कभी वो अपने घर से करके आती है, वरना तो वो सेट पे आके करती है, क्योंकि उसको फिर उसके बाद लाइन से उसकी कॉलें आनी शुरू हो जाती हैं घर से, क्योंकि वो घर से बहुत दूर रहती है बेचारी, उसका भी कसूर नहीं है। तो वो सबसे फारिग हो के फिर वो सोचती है मैं मेकअप करवा लेती हूँ। That's true. वैसे ये बात है कि वो दूर रहती हैं, हाँ, तो वो, और वो मैनेज बड़ा, वो बड़ा इन्वॉल्व रहती हैं, बहुत भाई, वो बिल्कुल वो नहीं करती हैं। और वो मजे की बात है, पूरे खानदान को मैनेज करती है भाई। वाहिद बंदी मैंने देखी है, पूरे हर एक का उसको पता होता है, इसने आज इसकी बर्थडे है, इसकी आज शादी की एनिवर्सरी है, सब
कुछ उसको पता था, मैं तो बिल्कुल नहीं लूँ इस मामले में. अच्छा, एक एक्टर जिनसे आपने इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ सीखा हो. यार मुझे लगता है कि हमारे जितने पुराने आर्टिस्ट थे, जैसे कवि अंकल हैं या जावेद साहब भी हमारे बहुत अच्छे, जितना ठहराव इन लोगों में हमें वो सीखना चाहिए. ओके, ठहराव से आपका क्या मतलब? ठहराव से मतलब ये कि आप सुकून से अपना काम करें, किसी के चीज़ों में मत जाएं. Okay. जो डायरेक्टर आपको कह रहा है आप वो करें, अपनी चीज़ें उन पर मत डालें कि हमने जिसका जो काम है वो करने दो, करें बस. वो बड़े सुकून से, वो भी बैठे हुए होते हैं, आप उनसे पूछें ना कि आपने खाना खाया है, ये करना. हाँ, हो जाएगा हो जाएगा. अरे भाई कब हो जाएगा, टाइम देके. वो भी ऐसे. ओके, जब आप सेट पे जाती हैं, जैसे शहनाई का सेट है, बड़ा मिक्स्ड क्राउड है, यू नो, उसमें हर एज के लोग थे, नए भी पुराने भी, यू नो, फ्रॉम जावेद शेख टू लेके जो नया वो कजन्स का की टोली थी, वो तो सब नए थे. तो आपका क्या होता है, आप मतलब जाके हाउ डू यू मेक श्योर कि आप भी मज़े से काम कर रही हों, वो लोग भी आपके साथ जेल इन कर जाएँ? आप टाइम देती हैं या आपका अपना एक वो है कि साइड पे अगर किसी ने बात कर ली तो कर ली, नहीं बात की तो मैंने भी नहीं बात की? यार ये डिपेंड माहौल पे करता है, आपके सेट के माहौल पे डिपेंड करता है आपका डायरेक्टर. क्या आपका डायरेक्टर कितना इन्वॉल्व है सब लोगों के साथ. जब तक वो इन्वॉल्व नहीं होगा ना आपकी टीम के साथ, तो आपकी सेट का माहौल कभी भी अच्छा नहीं होता. ओके, तो हमारे शहनाई के सेट में अहमद भट्टी बहुत इन्वॉल्व होता है. ओके, बहुत ज़्यादा. इवन अहमद भट्टी आर्टिस्टों के साथ भी नहीं, ENG के बच्चे से लेके क्रू को हर बंदे के साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है. सारा दिन हम लोग आप ही सुन के ना, तो घर में जाके भी हमें वो आवाज़ें आ रही होती है. कि उसकी इतनी इन्वॉल्वमेंट होती है. तो ये उन्होंने जल करके रखा हुआ था सबको, सबको उसने, मतलब हमें कभी फील ही नहीं होता था कि यार ये नया है, हाँ पुराने हैं, ये कौन है कौन नहीं, सब सब एक बैठे हुए होते थे. कभी फील नहीं हुआ. इवन ये नहीं, शहनाई के सेट में मैंने अहमद के साथ जब भी काम किया है, सबके साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है और उसको अपने हर करेक्टर बहुत अच्छा लगता है. आर यू फॉन्ड ऑफ ड्रेसिंग? आप, शौक है आपको या कपड़ों का? इतना सिंपल सी, और बस जैसा रोल होता है वैसा कर लेती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा वो नहीं रहती हूँ कि जी मुझे बस यही कपड़े पहनने हैं या हाँ उनको. मतलब इवन जब मैं कोई रोल करती हूँ, जब अगर हाई क्लास का भी होगा तो स्लीवलेस वगैरह मैं नहीं पहनती हूँ. वो मैं उनको पहले से मना कर देती हूँ कि मुझे जीन्स भी नहीं पहननी, क्योंकि जो चीज़ मेरे हस्बैंड को या मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं पहनती हूँ. बिल्कुल सही. ज़रूरी नहीं होता कि आपने ये पहनेंगे तो आप मॉडर्न लगेंगे. आप वैसे कपड़ों में भी लग सकते हैं, अपने सिंपल शलवार कमीज में भी लग सकते हैं. आजकल वुमेन राइट्स पे बहुत बात हो रही है और कि औरतों के साथ किस तरह का एटीट्यूड या किस तरीके से ट्रीटमेंट होती है पाकिस्तान में, सब कॉन्टिनेंट में, इंडस्ट्री में भी. अगर आप से हम पूछें जिस ज़माने में आपने स्टार्ट किया था तब क्या था और अब जब आप देखती हैं तो अब क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? कुछ है तब ज़्यादा बेहतर था, अब ज़्यादा बेहतर हो गया, क्या चेंज हुआ है इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन इन द इंडस्ट्री, एंड वो भी सीनियर फीमेल आर्टिस्ट एंड यंग फीमेल आर्टिस्ट? और थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि आप ये भी कर सकती हैं कि उन लोगों की तरफ से किस तरीके का, मतलब जो यंग लोग हैं या फीमेल आर्टिस्ट हैं, वो इंडस्ट्री के की तरफ उनका क्या एटीट्यूड है? हाउ डज ऑल ऑफ दैट प्ले रोल? यार मुझे लगता है कि हम लोग जब पहले काम करते थे, लोगों से मिलते थे, उस वक्त हमारे यहाँ लोग एक्टरों को एक्सेप्ट नहीं करते थे. बहुत सी फैमिलीज में अच्छे रिश्ते नहीं आते थे आपके, भले आप कितनी भी नेक परवीन क्यों ना हो, नहीं आते थे. लेकिन अब इंडस्ट्री लोगों ने कबूल कर ली है, पहले इसको नहीं कबूल किया था उन्होंने. अब आप वो लोग समझते हैं कि हाँ नहीं ये लोग अच्छे हैं. पहले तो हम इतनी गंदी गंदी गालियाँ भी पड़ती थी. आपने फेस किया वैसा? हाँ, किया कि मतलब मैं उनका नाम नहीं लूंगी. मैं एक जगह शूट कर रही थी तो जिनके घर में बैठे हुए थे, को गवर्नमेंट के ऑफिसर थे बहुत बड़े. अच्छा उसमें एक डिमांड थी, ब्लैक जोड़ा था तो मैंने पहना हुआ था. तो अंदर वो बंदा एंटर हुआ और मुझे कहता है कि आप एक्टर हैं? मैंने कहा हाँ मैं एक्टर हूँ. तो कहता हाँ वो तो आपके कपड़ों से लग गया. मैंने कहा एक्सक्यूज मी,
मैंने कोई उससे क्वेश्चन किया, मैंने कहा जी आपको कैसे लगा? कहते नहीं आपने ब्लैक जोड़ा पहना हुआ ना. तो मैंने कहा क्यों, आपकी बेगम ब्लैक जोड़ा नहीं पहनती है? पढ़ा लिखा आदमी, एक इतनी हाई पोस्ट पे था वो बंदा, बट लेकिन वो परसेप्शन ऐसा है तो उनको किसी भी चीज़ से उसको रिलेट करना. मैंने सोचा, मैंने कहा यार इस बंदे का कसूर नहीं है, इसके जहन में जो चीज़ें बैठी हुई हैं हम उसको नहीं निकाल सकते. नहीं निकाल सकते. लेकिन अब आपको वो चेंज लगता है? चेंज लगता है बहुत ज़्यादा. लेकिन इंडस्ट्री की ट्रीटमेंट औरतों की तरफ कैसी है यार? जब आपको लगता है ज़्यादा रिस्पेक्टफुली होता था, या आपको लगता है अब लोग ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि ओ फीमेल एक्ट्रेसेस आ रही हैं, वी हैव टू मेक श्योर कि यू नो हम इस तरह की बात नहीं करें, माहौल ऐसा हो, उनको सारी फैसिलिटीज़ यू नो जो भी है उनका कम्फर्टेबल. आपको अब लगता है कि अब ये ज़्यादा अवेयरनेस आ गई, ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं? नहीं, उस वक्त भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे औरत की, और आज भी बहुत ज़्यादा करते हैं. और मुझे तब भी सब बहुत अच्छे लगते थे और आज भी बहुत अच्छे. बड़ी अच्छी बात है सुन के ना, क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं हमारे ऑडियंसेस उनको थोड़ा कंफर्ट लेवल होगा कि वही बात जो परसेप्शन की वो अभी भी बहुत जगहों पे होगी कि इंडस्ट्री में जाना है नहीं जाना है. बच्चे, लेकिन मेरे ख्याल में अब तो लोगों ने इस इंडस्ट्री को एक्सेप्ट कर काफ़ी चेंज हुआ है. लेकिन फिर भी बहुत से केसेस सुनने को आते हैं, बहुत से लोग शेयर करते हैं कि उनको पेरेंट्स से बड़ा फाइट करके आना पड़ा, या बहुत अरसे बाद पेरेंट्स को रियलाइज़ हुआ कि नहीं सही है, कोई बुरी चीज़ नहीं हो रही है, दे आर ओके. तो आई थिंक इट्स गुड कि जब आप लोग आके हमसे अंदर की बात शेयर करते हैं कि नहीं इट्स ओके, तो लोगों को इनकरेजमेंट भी हो रही होगी थोड़ी बहुत. बिल्कुल हो रही है. और वैसे भी अब तो बच्ची माशाल्लाह इतना ऊंची जगहों पे जा रही हैं, पढ़ रही हैं कॉलेजेस वगैरह में, यूनिवर्सिटियों में, तो अब तो इतनी अवेयरनेस आ गई है, क्या वो इजीली शो बिजनेस में भी काम करेंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कोई फर्क नहीं पड़ेगा. खाना बनाने का शौक है आपको? बहुत ज्यादा. रियली? क्या बनाती है सबसे अच्छा? किस किस्म का कुजीन सबसे अच्छा बनाती है? मैं सब कुछ खुद ही सीखा हूँ, या रेसिपी बुक्स, या एक्सपेरिमेंट करती है, या वो वाली कुक है जो वो बिल्कुल रेसिपी टू द पॉइंट ना, कि एक चम्मच है तो एक चम्मच से इधर नहीं, या वो आप एक चम्मच को डेढ़ चम्मच करके नमक के साथ थोड़ा सा मसाला कुछ और भी डाल दिया, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ कुक आर यू? मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने 97 में डालडा का कुकिंग शो होस्ट किया था. ओह माय गुडनेस, मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिली, सॉरी, आई हैड नो आइडिया. उसके डायरेक्टर थे असद और वकास कमर्शियल्स के. ओके, ठीक है. और ये मैंने तकरीबन एक साल किया था. उसमें जुबैदा आपा का भी एक होता था, सेगमेंट होता था, और वो मैंने किया था तकरीबन, हाँ, 152 एपिसोड किए थे उसके. वाओ, तो वो क्या फिर आपको तो बड़ा आप इन्जॉय करती होंगी, आप सोच के ये रेसिपी है अब मैंने ये करना है और मैं ये खाना बनाऊं. फिर उन्हीं दिनों में मरीना खान का भी स्टार्ट हो गया था. और अच्छा, हमारे शेफ जो थे वो थे, जब उनका नाम नहीं याद आ रहा, खालिद वहीद. ओके. कुछ रेसिपीज उनकी होती थी, कुछ मेरी होती थी. वाह, आपकी खुद बनाती थी, आप क्रिएट करती थी सब कुछ हम लोग. इतना मज़ा आता था ना, बहुत मज़ा आता था. तो कोई उसके बाद बुक छापने का या कुछ करने का? मेरे ख्याल में शायद उन लोगों ने छापी है, डालडा वालों ने. आप इतनी अगर रेसिपीज क्रिएट करती थी तो? लेकिन हमें वहीं से भी मिलती थी ना, जो डिफरेंट लोग हमें भेजते थे. okay. आप उसको टेस्ट एंड ट्राई करके वो भी करते थे. लेकिन उसको मैं होस्ट भी करती थी, उस प्रोग्राम को होस्ट भी करती थी, उसमें कुक भी करती थी, सारा कुछ करती थी. और उसमें एक सेगमेंट ऐसा होता था जो मैं अपने लाहौर शहर के बारे में बताती थी, और वो उनको होता था कि तुम पंजाबी में बोल देना. तो फिर मैं पंजाबी में बोलती थी कि हमारे लाहौर शहर में तो ये होता है, ये होता है. तो वो बड़ा मज़े का प्रोग्राम था. आपको मसला हुआ था जब आप एक्सेंट वाइज, बहुत से लोग जो पंजाब से आते हैं एक्टर, वो कहते हैं हमें अपना उर्दू साफ करनी पड़ती है, तलफ्फुज हमें, और यू नो थोड़ा मुश्किल होती है उसको रवानी से बोलने में, और कभी कभी उनको वो कहते हैं कि मुश्किल चैलेंज होता है. आपको ये फेस करना पड़ा था? नहीं, कभी नहीं. शुरू से ही आपकी उर्दू अच्छी थी? घर में हम लोग बोलते थे, उर्दू बोलते थे, तो कभी मसला तो नहीं हुआ. कभी भी नहीं हुआ. अलग मुझे लगता है कि शायद जब मैंने स्टार्ट किया था तो कुछ लोगों को इशू हुआ था कि एक्ट्रेस को कि जी तुम्हारा लहजा थोड़ा सा पंजाबी आ रहा है. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर आप सिंधी ठीक कर लो अपनी. अगर मेरा पंजाबी आ रहा है तो आप जो सिंधी में बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, तो आप उनको ठीक कर लो. तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कोई सीन नहीं है. लेकिन उनको फील होता था, मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई. तो वो टाइम के साथ खुद ही चेंज होता है क्या? अच्छा, खाने पे आते, आपकी फेवरेट रेसिपी, फेवरेट डिश, और फेवरेट चीज़ जो आपको बनाने में एक्चुअली बहुत मज़ा आता हो?
मैं सब कुछ बना लेती हूँ। नहीं, हमें रेसिपी चाहिए, हम पहले पूछेंगे कौन सी डिश है, फिर हम रेसिपी पूछने वाले हैं आपसे। मेरे घर आ जाए, मैं आपको सब सिखा। ये तो होने वाला है, मैं जा रही हूँ, हम स्टार्ट करेंगे उसमें आपके घर आके। सब कुछ बना लेती हूँ, कोई खास नहीं। चले भी, चिकन कढ़ाई सब लोग बनाते हैं और सबसे वो पॉपुलर डिश है, हमारे साथ अपनी चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करें। वाकई? हाँ वाकई, जुबानी जल्दी से बता दें कि आप कैसे बनाती हैं आप। मैं तो आसान वाली है या मुश्किल वाली है? नहीं नहीं, बहुत सिंपल। बस सही है, फिर सुना दें हमें। चिकन या मटन जो भी आपने बनाना है आप लें, और मैं तो ज़्यादा सा लहसुन ऑयल में डाल के साथ ही डाल दिया, गोश्त डाल दिया आपने, और इसके साथ आपने कुटी हुई मिर्च और लाल मिर्च जो पिसी हुई भी होती है, कुटी हुई और पिसी हुई दोनों डाली, दोनों डाल के और चूल्हा बंद तेज कर दिया, उसको भून लिया। ठीक है, उसके बाद आप टमाटर और दही डाल के और बस फिर उसको पकने दें। ओके, उसके बाद उसका ऑयल बाहर आ जाएगा, उसमें कोई दूसरी चीजें ऐड नहीं करनी, कुछ भी। सिंपल है? हाँ, बहुत सिंपल है। मैं ये ट्राई करूंगी, जरूर कीजिएगा। तो नमक, लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च बस, एंड लहसुन आपने बोला, लहसुन ढेर सारा, नो अदरक, नथिंग। नहीं, वो तो आपने गार्निशिंग कर ली ना। अच्छा, नो धनिया पुदीना, धनिया पिसा हुआ, सब कुछ बाद में, मसाला नहीं, गरम मसाला, काली मिर्च, कुछ सब कुछ बाद में। वो एंड में क्या डालेंगे फिर? एंड में आपने जब टमाटर डाल दिए, ठीक है, उसका आपने उसको मिक्स कर लिया, थोड़ा सा दही डाल लिया, फिर उसके अंदर आपने डालना है गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी ब्लैक पेपर अलग से, वो डाल के आपने उसके ऊपर ग्रीन मसाला डालना है और एक दो लेमन निचोड़ने, बस नींबू निचोड़ने। हाँ बस। ओके जी, ये हम अपनी अगली कुकिंग वीडियो में रेसिपी ट्राई करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि कैसे बना। बहुत सिंपल है और बहुत मज़े की है। हाँ वाकई, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, सिंपल, में पानी आ रहा है, खाने का भी टाइम हो गया, भूख लग रही है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम निदा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और सबसे मज़े की बात यह कि वो टाइम जिसको हम बहुत कम याद करते हैं, वो यू नो वहीद मुराद का ज़माना, उसके बारे में आपने हमें मज़े की कुछ बातें बताई, तो उस टाइम में हमें आप लेकर गई, वो सफ़र बड़ा अच्छा लगा। और जनरली भी आपसे गपशप करके बड़ा अच्छा लगा। आजकल आप 3 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं, आपने मुझसे जिक्र किया था, कुछ शेयर कर सकती हैं अभी? एक तो मैं पता चल गया इमरान अशरफ के साथ है। हाँ, एक बाकी तो के बारे में कुछ बता सकती हैं, और एक हिबा मेरे साथ है, हिबा बुखारी। अच्छा, और दूसरा वाला अभी मुझे फाइनल नहीं हुई कास्ट, तो भी देखें। चलिए, वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड की जो आपके नए प्रोजेक्ट्स हैं, आई होप के आपको अपनी मर्जी का रोल मिल रहा हो और अब आप खुश हों इस बार ज़्यादा अपने रोल से। नहीं, मैं खुश रहती हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मैं सब कर दूँ, सब रोल करती हूँ और खुश रहती हूँ। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होती है। नेक्स्ट ड्रामा आ जाए तो फिर वो ड्रामे के ऊपर बात करेंगे हम। ठीक, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चलें, यू टेक केयर, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।